तारा था कि ये विश्व का सबसे बड़ा एक ही पत्थर से कटा हुआ मंदिर है। इसकी शुरुआत हुई थी 756 एडी में, फिनिश हुआ 900 एडी में। तो एक मंदिर को बनने में 150 साल लगे। बोला जाता है कि 6 पुश्तों ने एक ही मंदिर के लिए काम किया था। तो 6 पुश्तों के जो कारीगर काम कर रहे थे, लेकिन अचरज की बात यह है जो पहले आर्किटेक्ट ने काम प्लान बनाए, मॉडल्स बनाए, उनका काम है राजा के पास लेके जाना, उनको कहना कि सर आपको इस टेंपल के लिए फंडिंग करनी है, आपको डोनेट करना है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप कभी देखेंगे नहीं। तो कौन ऐसी चीज़ के लिए पैसे देगा, मैं तो नहीं दूंगा। सही है। लेकिन उनको पता था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतने पॉलिटिकल बैलेंस है कि एक दिन ये ख़त्म होगा और आगे की पुश्तें ख़त्म करेंगी। तो बोलते हैं इसको विश्व का सबसे बड़ा एक ही पत्थर से कटा हुआ मंदिर है, इट्स लार्जेस्ट कट आउट मोनोलिथिक केव ऑफ द वर्ल्ड। इसका लोकल नाम मैंने आपको बताया कैलाश है जी। इस मंदिर का जो शेप दिया हुआ है वो रथ का शेप दिया हुआ है। अच्छा। तो हम लोग जब पीछे की तरफ जाएंगे आप देखेंगे जहाँ भगवान जी बैठते हैं। हाँ जी। इस कॉलम के पीछे का जो बाग है ये सारथी के लिए, ये ड्राइवर के लिए है। अच्छा जी। सामने की तरफ आप जो पैसेजेस देख रहे हैं ये योक्स हैं जो हम लोग नॉर्मली घोड़ों के ऊपर रखते हैं। अच्छा जी। लेकिन यहाँ पर दो हाथी थे, खैर ये तो बचा नहीं है, उस तरफ का अच्छे कंडीशन में है। तो दो हाथी थे, जब ये रथ चलेगा तो इसको उठा के आगे लेकर जाएंगे। ओके। तो राजा का जैसे रथ चल रहा है, तो अगर भगवान जी का रथ चल रहा है तो हर एक कंट्री, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने फ्लैग्स लगते हैं। तो यहाँ पर दो फ्लैग पोस्ट हैं जिसको हम लोग ध्वज स्तंभ बोलते हैं, सिमेट्री के लिए, एक इस तरफ है एक उस तरफ है। अच्छा। इसकी हाइट है 56 फीट 17 मीटर्स। ये टेम्पल जो है 80 मीटर लंबा है, 51 मीटर चौड़ा है और 33 मीटर हाइट है। ओके। हाँ जी। सर इसको आप जैसे बता रहे थे बनाया गया था। हाँ जी। सर थोड़ा पता है कैसे बनाया गया? राइट सर। तो इसमें कैसा है कि जब उन्होंने शुरुआत की, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप आजकल कोई घर बना रहे हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले आप आर्किटेक्ट के पास चले जाइए, आप उसको पूछिए कि मुझे घर बनाना है। आपसे आर्किटेक्ट ये पूछेगा कि आपके पास जगह कितनी है, विच मीन्स कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको स्पेस की ज़रूरत है, आपको ये कंसेप्ट समझना है स्पेस का। यहाँ जब शुरुआत हुई तो स्पेस तो है ही नहीं, ये तो पूरा एक अखंड पत्थर है। हाँ जी। तो जब उन्होंने शुरुआत की, सबसे पहले ऑर्डर किया इसके ऊपर से आप पेड़ काट दीजिए। अच्छा जी। फिर उसके बाद ये जो आपको वर्टिकल ट्रेंचेस दिख रहे हैं तो ये क्रिएट किए गए, और बीच का पत्थर हर तरफ से अलग कर दिया गया। ओके। हो सकता है 12 से 14 साल लगे हों इस बीच का पत्थर अलग करने में, जहाँ से 2,00,000 टन पत्थर बाहर निकाला गया। उसके बाद फिर इसकी कार्विंग शुरू हुई। 756 में जब इसकी शुरुआत हुई तो वो उस स्टेज पे रहे होंगे जहाँ ऊपर की तरफ है, क्योंकि मंदिर की शुरुआत ऊपर से हुई थी। हाँ जी। फिर नीचे उन्होंने ख़त्म किया, तो जहाँ हम लोग खड़े हैं ये आखिरी का भाग है। ओके। तो नॉर्मल क्या होता है आर्किटेक्चर, हम लोग अगर घर बनाते हैं आप नीचे से ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ऊपर से नीचे आए और पीछे से सामने की तरफ आए, क्योंकि मंदिर का स्लोप जो है वो इस तरफ से है। इंटरेस्टिंग है कि भाई नॉर्मली हिंदू टेम्पल्स जो होते हैं उसका जो फेस होता है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो रॉक फॉल है वो वेस्ट की तरफ है, तो इसीलिए सारे के सारे केव्स एलोरा में वेस्ट फेसिंग केव्स हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली रामायण जो हुई थी वो साउथ में हुई है, महाभारत हुई है नॉर्थ में। आप यहाँ सेंटर में हैं, मंदिर का जो साउथ साइड है, दक्षिण का जो बाग है वो रामायण को दिया हुआ है, ये जो पूरा पैनल है वो रामायण है। Okay. तो लॉजिक देखिए उनके हिसाब से कि आपको साउथ साइड में रामायण रखनी है, नॉर्थ साइड में महाभारत रखनी है। आप थोड़ा सा इस तरफ से आके देखेंगे तो आपको पूरा पैनल दिख जाएगा। सर रामायण में सबसे पहले रो की बात कर रहा हूँ, आप देखिए राइट साइड में दो लोग बैठे हुए हैं। Okay. अगर आप जूम करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ दो लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने एक आदमी झुक के नमस्कार कर रहा है। हाँ जी। तो जो झुक रहे हैं वो राम हैं, अपने पिता से आज्ञा ले रहे हैं वनवास जाने से पहले। पहले वो जाते हैं हाथी पे, फिर घोड़ों पे, फिर पैदल, फिर सिटी की गेट आती है। आखिरी में देखिए नाव है कैवट, जहाँ सरयू नदी ख़त्म होती है वहाँ से उनका वनवास शुरू होता है। वापस उसी गेट पे आ जाइए, जो हमने फर्स्ट लाइन में गेट लेक देखी, उसी के नीचे सेकंड लाइन में देखिए सेंटर में लक्ष्मण दिखेंगे आपको, जो शूर्पणखा का नाक काट रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी। और उसी के राइट साइड में आपको दिखेगा कि शूर्पणखा पीछे की तरफ गिर रही है। रावण ने पहली आर्मी भेजी है, ये देखिए राम और लक्ष्मण है, ये उनकी आर्मी से फाइट हो रहा है, भाग जाते हैं वो लोग। थर्ड लाइन में आप देखेंगे राइट साइड में राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए हैं, सीता को मरीज दिखता है जो गोल्डन डियर है। आप देखेंगे राम जो है, राम जी लक्ष्मण के पीछे, अपने मरीज के पीछे भाग रहे हैं सॉरी, और उन्होंने तीर छोड़ा हुआ है जो मरीज के पीठ में दसा हुआ है। रावण आते हैं, ये सीता हरण हो रहा है। आर्टिस्ट बताना चाहता है कि वो पुष्पक विमान है, तो आप उसके पहिए देखिए ज़मीन को टच नहीं कर रहे, वो हवा में है। आप चौथी लाइन में देखेंगे राइट साइड में सारे के सारे वानर हाथ जोड़ के खड़े हैं, हम आपको सीता माँ को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। हाँ जी। आप थोड़ा सा नज़दीक आके देखेंगे
नीचे से तीसरी लाइन में अशोक वाटिका है, सीता माँ बैठी हुई है, उनके सामने देखिए एक बंदर जो है झुक के नमस्कार कर रहे हैं, वो हनुमान है जी। फिर हनुमान जो है अशोक वाटिका को तोड़ना शुरू करते हैं, आप कुछ कुछ पेड़ देखेंगे टूटे हुए हैं। फिर उनको पकड़ के लेके आते हैं रावण के पास। अब रावण देखेंगे, रावण तो बैठे हैं लेकिन हनुमान जी को जगह नहीं दी गई बैठने की, तो हनुमान जी ने अपने पूंछ से अपनी सीट बनाई है। हाँ जी। और आप रावण का चेहरा देखिए, वो हनुमान जी को ऊपर की तरफ देख रहे हैं उसको बताने के लिए कि तुम्हें पता नहीं है तुमको कि राजा को कैसे चलना चाहिए। सेकंड लास्ट लाइन में आप देखेंगे सारे के सारे वानर जो है वो ब्रिज बना रहे हैं, आखिरी में समंदर की लहरें हैं और लास्ट लाइन में राम और रावण का फाइट है। ओके, तो 1200 साल पहले पूरी की पूरी रामायण तैयार थी। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर आप जो भी मूर्तियाँ देख रहे हैं, ओरिजिनली हर मूर्ति के ऊपर प्लास्टर था और कलर्स किए हुए थे। तो हमने जैसे वहाँ लक्ष्मी जी देखे, यहाँ जहाँ जो भी आप फिगर्स देख रहे हैं तो इन फिगर्स के ऊपर प्लास्टर था और कलर्स किए हुए थे। ओके, लेकिन पानी से हवा से कलर्स बचे नहीं हैं। हालांकि एलोरा का ये सबसे मुख्य गुफा थी, इसको 3 बारी पेंट हुआ। सबसे पहले 10वीं शताब्दी में जब ये फिनिश हुआ था, दूसरी बारी हुआ था 12वीं शताब्दी में, आखिरी बारी करवाया था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे आपको प्लास्टर और कलर्स दिखेंगे। हाँ जी, तो ये 18वीं शताब्दी के हैं, ये अहिल्याबाई होलकर के समय के हैं। ओके। लेकिन जब हम लोग अंदर जाएंगे बाद में तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि 10वीं शताब्दी की पेंटिंग्स भी बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा, आइए यहाँ पर आपको जो एनिमल्स दिख रहे हैं ज़्यादातर हाथी हैं, सिंह हैं। हाथी सिम्बोलाइज करता है इंडियन आर्ट में प्रॉस्पेरिटी का, सिंह जो है पॉलिटिकल पावर का। देखिए जहाँ राजा बैठता है उस जगह को हम लोग सिंहासन बोलते हैं, वो सिंह का आसन है। तो पॉलिटिकली स्टेबल आपको राजा चाहिए और पैसा चाहिए, तब जाके ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर आपको सिंह और हाथी है, कुछ कुछ और भी हम लोग आगे दानव देखेंगे आगे चल के, तो उस तरफ से है सर। आइए, रामायण से पहले की बात है, रावण की इच्छा थी कि अपने सौतेले भाई कुबेर के ऊपर उसको जीत हासिल कर लें। तो रावण जाते हैं कुबेर के ऊपर, जीत हासिल करते हैं, पुष्पक विमान लेके वापस आ रहे हैं। अब शिवभक्त तो हैं ही। अब देखिए 10 सर जो है सिंबॉलिक होते हैं इंटेलेक्चुअल यू नो सुपीरियरिटी का, 20 हाथ हैं पावरफुल है। तो अब पैसे आ गए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें ईगो आता है। रावण को लगता है मैं इतना पावरफुल हूँ, रास्ते में कैलाश पर्वत आ गया है, मैं शिव जी को कैलाश पर्वत के साथ उठा के लंका ले जाऊंगा। ओके, तो ये आपको आर्टिस्ट बताना चाहते हैं कि यहाँ पर रावण जो है कैलाश पर्वत के नीचे गए हुए हैं और वो कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आर्टिस्ट देखिए, आपको घर में कुछ स्टूल भी उठाना है तो आप उसको पीछे से नहीं उठाते, आप सामने से उठाते हैं। हाँ जी। अगर आप ये पैनल सामने देखेंगे यहाँ सर, तो ये मत सोचिए कि रावण का फ्रंट हमारी तरफ है, उसकी पीठ है हमारी तरफ, लेकिन आर्टिस्ट ने उसके सर पूरे गोल बनाए हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, पैर एकदम कसा हुआ है। हाँ, और पूरे अपनी ताकत से, पूरे अपने हाथों से या बाजुओं से कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उठा तो नहीं पाए, लेकिन आप अगर ऊपर देखेंगे, शिव और पार्वती बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत सब हिलने लगा क्योंकि ताकत तो है। अब पार्वती देखिए, ये वाले फिगर की बात कर रहा हूँ, उनकी बॉडी पैर यहाँ पर है, लेकिन आर्टिस्ट ने उनकी बॉडी को ऐसे बताया कि वो पीछे की तरफ गिर रही है। पति का हाथ पकड़ लिया, उनकी दासी जो है राइट साइड में भाग के जा रही है, उनकी पीठ हमारी तरफ है। शिव जी का एक राइट हैंड देख लीजिए, ऐसे जा रहा है। इसे हम कहते हैं विस्मय मुद्रा, विस्मय सरप्राइज, क्या हो रहा है, सब हिल क्यों रहा है अचानक से। तो शिव जी को फिर समझ में आता है कि अरे ये तो रावण है और कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश कर रहा है। शिव जी अपने दाहिने पैर के बड़े अंगूठे से बाहर को नीचे दबाते हैं, पैर से नहीं दबाते हैं, सिर्फ एक अंगूठे से दबाते हैं। आप थोड़ा सा नज़दीक आके देखेंगे। हाँ जी। अब शिव जी का पैर देखिए, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका बड़ा बड़ा जो अंगूठा है वो आर्टिस्ट ने बताया है कि वो मुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर से दबा रहे हैं। अब आप रावण का चेहरा देखिए, रावण की जो आँखें हैं फटी हुई हैं, दांत कस गए हैं, हालांकि खंडित मूर्ति है, लेकिन फिर भी आपको उसके एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ से आके देखेंगे तो उनकी आप पीठ देखिए बेंड हो रही है, डर गए कि पीठ टूट सकती है, तो इस हाथ से अपनी थाई पे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। उस हाथ से अपनी आर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इस हाथ से पहाड़ को ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, अब निकल नहीं पा रहे हैं। सालों साल बोलते हैं यहीं दबे रहे, फिर समझ में आया बाहर कैसे निकला जाए, और इस समय बनता है शिव तांडव स्तोत्रम। तो जब शिव तांडव स्तोत्रम की रचना करते हैं, शिव और पार्वती खुश होते हैं और जाने देते हैं। हालांकि कहानी तो काफ़ी उसके आगे लंबी है, लेकिन शिव तांडव स्तोत्रम है। ओके।